Hello friends, today we are going to discuss about mean value theorem. Mean value theorem, actually ये दो theorems हैं, एक Rolle's theorem है और एक Lagrange theorem है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Rolle's theorem and second one is Lagrange theorem. पहले Rolle theorem को discuss करेंगे, तो मैं Lagrange को मैंने लिख दिया, दोनों theorems को mean value theorem बोलते हैं. तो actually में क्या है, एक छोटा सा मतलब concept की बात करें तो Rolle's theorem और Lagrange theorem दोनों में क्या होता है, कोई एक function दिया होता है जो एक continuous होता है किसी interval को लेकर के बात है, कोई particular interval के लिए. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि a से b में, कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल में उस फंक्शन के बारे में बात होती है, उस पूरे इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होता है और वो डिफरेंशिएबल होता है. तो उस फंक्शन के लिए उस इंटरवल ए से बी के बीच में, यहाँ से ए से बी तक का जो इंटरवल है, इस बीच में कोई एक पॉइंट होता है जिस पर उसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है. और जो लैग्रेंज थ्योरम है उसमें ये डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो पहले रोल्स थ्योरम की बात करते हैं. रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप देख लें. लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इस तरह से डिफाइन है. कैसे है, इसमें तीन कंडीशंस हैं, वो उन तीनों कंडीशन को फंक्शन फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सेकेंड थिंग इज दैट द फंक्शन शुड बी डिवाइजेबल और डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. एंड थर्ड थिंग इज दैट एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी, मीन्स द बाउंड्री वैल्यूज एट द इंटरवल ए बी एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी द वैल्यू फंक्शन शुड बी इक्वल. मीन्स दोनों जो बाउंड्री वैल्यूज हैं ए और बी, इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम आए, फंक्शन इस पूरे इंटरवल में फ्रॉम ए टू बी इट शुड बी कंटिन्यूअस, मीन्स कहीं पर ब्रोकन नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज दैट फंक्शन शुड बी डिराइवेबल या डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. एक्चुअली बंद इंटरवल ओपन, ये क्लोज इंटरवल जो होता है, क्लोज इंटरवल की जो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं ए और बी, उनमें हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते. तो सिर्फ क्लोज इंटरवल में तो डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, और जो ओपन इंटरवल है ए बी उसमें वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें मैं फिर बात करूं कि ये तीनों कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो आगे फिर बात आती है कि देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी, एटलीस्ट ए रियल नंबर, मे बी मोर देन वन नंबर ऑल्सो देयर, एटलीस्ट ए रियल नंबर सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट द एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू जीरो. तो ये स्टेटमेंट हो गया पूरा थ्योरम को लेकर के. ये थोड़ी सी अजीब सी थ्योरम है, मुझे मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ने जैसे पीछे वीडियोस थे उनमें बोला कि भाई आप एक बार ये दोनों थ्योरम्स को डिस्कस करें. तो एक्चुअली मैं इनको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें लिखी हैं. अब मैं सिर्फ पहले रोल थ्योरम को अप्लाई रोल थ्योरम को डिस्कस करूँगा, तो मैं लैग्रेंज थ्योरम को तो एक बार हटा देता हूँ और सिर्फ रोल थ्योरम की बात करें. ये एक्चुअली आप ज्योमेट्रिकली समझोगे, इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझोगे तो ये इजीली समझ में आ पाएंगे. मैं वापस ज्योमेट्रिकल इनका इंटरप्रिटेशन एक बार पहले देखता हूँ, फिर उसके बाद वापस आऊँगा स्टेटमेंट पे, थ्योरेटिकल अप्रोच पे बाद में बात करेंगे. देखो क्या है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी. एक इंटरवल लिया है ए बी. देखो कोई भी फंक्शन हो, किसी फंक्शन के ग्राफ की बात है, आपने अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझ लिया तो ये इजीली समझ में आ जाएगी. इसमें क्या है, x बिलोंग करता है एक्चुअली क्लोज्ड इंटरवल a टू b, मीन्स x की वैल्यूज वेरी करेंगी फ्रॉम a टू b. x विल स्टार्ट फ्रॉम a, सपोज दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू b. x वेरीज फ्रॉम a टू b. इस इंटरवल में के फंक्शन की मैं बात करूंगा. अब कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ होगा, कैसे भी मान लो इस तरह से ऐसे कैसे कुछ करके फंक्शन का ग्राफ है, कोई भी मैंने टेंडम कुछ भी ग्राफ ले लिया. x इक्वल टू a पे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट है x इक्वल टू a और इस पे सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक दिस डिस्टेंस विल कॉल्ड एफ ए, ये एफ ए है. ऐसे x इक्वल टू b के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट आएगा ये एफ बी है, दिस इज एफ बी. अब कैसे भी कोई ग्राफ है, किसी भी तरह से ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है कुछ भी, तो मुझे सिर्फ इस ग्राफ का इतने पोर्शन की बात करनी है ए से लेके और बी के बीच में. इधर के ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, इधर क्या है और इसके आगे ग्राफ क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ इतने के बीच ही बात करेंगे. अब वो ग्राफ की नेचर को डिस्कस करना है एक्चुअली, और ग्राफ की नेचर क्या है, फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी नेचर क्या है, उसमें दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज दैट द स्टेटमेंट सेड that the function fx is continuous from x equal to a to b in the closed interval a b fx is continuous. Continuous means the graph should not be broken.
इन दिस इंटरवल, मीन्स इसके बीच में यहाँ से और यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है, ब्रोक का नहीं है, मीन्स ग्राफ है, कहीं ऐसी कंडीशन नहीं है। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक ये लिया, कोई ग्राफ मान लो सपोज इस तरह से हो, यहाँ से ऐसे हो गया और ये इनफाइनाइट वाली कंडीशन होगी और यहाँ से आकर के फिर ऐसे हो जाए, तो वो कंडीशन हमें डिस्कस नहीं करनी है। उस टाइप का ग्राफ नहीं है, ग्राफ ये कंटिन्यूअस है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ऐसे गया ऐसे आकर के ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो इस बीच में मीन्स ग्राफ हर पॉइंट पे, ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर ग्राफ एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू। सेकंड थिंग इज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स, डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, जैसे ये फंक्शन का ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देखोगे तो मैं इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ले सकता हूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो जैसे इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा होगी, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा होगी, मान लो कोई ग्राफ इस तरह से है, ऐसे वाला जो ग्राफ होगा इस पॉइंट पर यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पर ये कॉर्नर पॉइंट बन जाए, कस्पी नेचर हो जाए, कोई नोड हो जाए ऐसे, तो ऐसी जो कंडीशंस हैं इस टाइप के ग्राफ, वो इस पॉइंट पर जैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हमारा ग्राफ क्या है, मीन्स स्मूथ ग्राफ है और इस पर हर पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबल है, मीन्स हम इस पर स्पर्श रेखा या इसकी टेंजेंट ले सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं ज्योमेट्रिकली अपन बात करें कि इस x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी के बीच में जो फंक्शन है उसमें दोनों चीज़ें हैं, यहाँ से यहाँ तक वो ग्राफ ब्रोकन नहीं है, कंटिन्यूअस है, दूसरी चीज़ ये है कि वो डिफरेंशिएबल है, मीन्स कि उसके हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा या टेंजेंट हो सकती है। ये दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये हाइट और ये हाइट सेम है, मीन्स ज्योमेट्रिकली आप ये समझो कि मैंने ग्राफ पे ऐसे दो पॉइंट लिए जिनकी एक्स एक्सिस से हाइट इक्वल है। अब इनके बीच का ग्राफ मैं इसको भी हटा देता हूँ और अब आप इमेजिंग करो ये दो पॉइंट्स हैं ग्राफ पे, जैसे एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये सेम हाइट पर है। अब इनके बीच का ग्राफ सोचो, ग्राफ कैसा है, ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, ब्रोकन नहीं है, दूसरी चीज ये कि ग्राफ ऐसा है कि उसके हर पॉइंट पर टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा है। तो ग्राफ की नेचर अगर स्पर्श रेखा होती है तो क्या हो सकती है, या तो ये ग्राफ, मैं यहां से देखो ये दो पॉइंट बना करके यहां बनाता हूं, इन दो पॉइंट के बीच में या तो ग्राफ ऐसे होगा, या फिर ग्राफ मान लो एक बार ऊपर जाकर के फिर नीचे आया होगा, या भले वो यहां से लेकर और यहां तक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इन तीन के अलावा कोई नेचर नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, तो इसलिए वो स्मूथली चला होगा पूरा ग्राफ। तो क्या हुई कंडीशन कि या तो वो ग्राफ सपोज इस टाइप से है, अगर वो नीचे जाता है तो फिर वापस ऊपर आएगा, तो एक बार वो क्या हुआ, नीचे गया। जैसे उत्तल और अवतल लेंस होते हैं तो इसको अवतल ग्राफ बोलते हैं, ये अवतल हो गया मीन्स ये कॉनकेव टाइप में हो गया, या फिर ये कॉन्वेक्स टाइप में होगा, ऊपर से आएगा, उत्तल वाली कंडीशन होगी। तो मैंने तीन चीजें बताई, तीनों में से एक कंडीशन जरूर होगी इस पूरे इंटरवल में। कैसे कैसे हैं, ये जो सेम हाइट के पॉइंट हैं यहां और यहां, इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि या तो जैसे एक बार भी कम से कम वो नीचे गया होगा तो फिर वापस वहीं आएगा, या तो ये चीज बनेगी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ग्राफ ऐसे आया होगा। या फिर तीसरी कंडीशन है, अगर वो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हुआ तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये खुद स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन अपने आप में टेंजेंट है ही खुद की। तो ये तीन में से एक नेचर जरूर मिलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सपोज इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अगर वो एक बार ऊपर गया और फिर एक बार नीचे आया, ऐसे हुआ, एक बार कॉन्वेक्स हो गया, एक बार कॉनकेव हो गया, तो एटलीस्ट एक बार जरूर या तो वो नीचे की तरफ आया होगा उसका स्लोप, या फिर वो ऊपर की तरफ मुड़ा होगा, या फिर स्ट्रेट होगा। मैं मान के चलता हूँ इन तीनों में से एक कंडीशन तो एटलीस्ट है, और वो चूंकि सेम हाइट पे है, अगर नीचे आया तो फिर वापस वहाँ जाएगा। अब इस पे आप ध्यान से देखो, अगर वो नीचे की तरफ आकर के फिर वापस एक बार मुड़ा है, तो जिस पॉइंट से वो स्लोप चेंज हुआ, एक बार स्लोप घटते 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 नीचे जा रहा है, फिर वो चेंज होएगा, जब वो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है तो एक पॉइंट आएगा जहाँ से वो ऊपर उठना शुरू होगा, वही वो पॉइंट है जिस पॉइंट सी की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ तक नीचे आया और यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ, तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट लूँ, जैसे यहाँ पर टेंजेंट लेता हूँ ऐसे आएगी, यहाँ पे ऐसे आएगी, इस वाले पॉइंट पे ऐसे होगी, ये वाला पॉइंट ऐसा होगा जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इस पॉइंट पर। और सिंपल सी है, बिल्कुल ईजिली समझ में आ सकता है कि जब वो डाउन जा करके डाउनवर्ड्स होकर के फिर जब वो अपवर्ड होना शुरू होगा, जब ऊपर उठना शुरू होगा, तो इस पॉइंट पर एग्जैक्टली जो टेंजेंट आएगी वो एक्स एक्सिस के
पैरेलल होगी। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट की जो स्लोप है उसकी जो प्रवणता है स्पर्श रेखा की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप जीरो होगी। तो ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जीरो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, और डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। कोई भी फंक्शन है उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स जब मैं निकालता हूँ तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स क्या होती है, एफ डैश एक्स इज द क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बीच में यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो जीरो है, दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज जीरो, और यही वो पॉइंट है जो इसके बीच में है। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आया कॉरस्पॉन्डिंग ले लें तो ये पॉइंट हो गया सी। सो दिस वन इज द पॉइंट सी। अब आप सोचो, फिर से वापस मैं वहीं आ जाता हूँ, ये दो पॉइंट थे, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, इन दोनों पॉइंट की हाइट एक्स एक्सिस से सेम थी, इनके बीच का जो ग्राफ था वो कंटिन्यूअस है, टूटा नहीं है, दूसरी बात उसका स्लोप कंटिन्यूअस है, वो क्या चल रहा है, कर्वी नेचर का है, उसके हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा टेंजेंट हो सकती है। तो या तो स्लोप ऐसे गया होगा ग्राफ, मैंने तीनों टाइप बनाए, या तो ग्राफ ऐसे जाएगा, या तो ग्राफ ऐसे जाएगा, या फिर स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ग्राफ ऐसे जाता है तो देखो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर ऐसे आया तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये खुद ही एक्स एक्सिस से पैरेलल ये पूरा का पूरा हर पॉइंट पर ही है। और ये वाली भी नेचर अगर एक बार ऊपर एक बार नीचे हुआ तो दो पॉइंट मिल गए, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। ये ही रोल्स थ्योरम है। अब आप स्टेटमेंट पे आओ रोल्स थ्योरम के। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है आपको, क्या कहता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में मीन्स एक्स इक्वल टू ए पी भी फंक्शन की वैल्यू है, एक्स इक्वल टू बी पी भी वैल्यू है, और इस बीच में हर पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, उसकी ये नेचर है फंक्शन की तीन पॉइंट में। क्या है, फर्स्ट पॉइंट से एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। मैंने आपको बोला इस बीच में टूटना नहीं चाहिए, अगर वो मान लो इसी पॉइंट पर टूट जाता है ग्राफ तो इसी पे टूट गया तो इसी पॉइंट पे वो सी आना था जिस पे टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है, वो होगा नहीं। तो एक तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में कैसे डिफरेंशिएबल है, मीन्स इसके हर पॉइंट पर यहाँ से लेके और यहाँ तक टेंजेंट हो सकती है, मैं इसके हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। तीसरी चीज़ है एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये मैंने पहले ही बताई कि एफ ए इक्वल टू एफ बी क्या है, ये सिर्फ इन दोनों पॉइंट के इक्वल हाइट होने की बात है। ये क्यों जरूरी है, जब वो इक्वल हाइट के पॉइंट्स होंगे तो मैंने बता दिया तीन में से एक चीज़ जरूर होगी, या तो नीचे जाके वापस ऊपर आया होगा, या फिर ऊपर जाकर के नीचे आया होगा, या फिर इक्वल होगा। ठीक है, अब तीनों में से तीनों ही कंडीशन में एक बार, एटलीस्ट एक बार वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये जहाँ पे पैरेलल आएगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड सी, और उस पर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, दिस मीन्स द एफ डैश एक्स विल बी जीरो, मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स सी इज जीरो, दिस मीन्स एफ डैश सी इज जीरो। तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया रोल्स थ्योरम को लेकर के, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड थिंग, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड थिंग एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी, देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, a real number c in the closed open interval ab such that f dash c equal to 0. This is Rolle's theorem. Let's take an example. मैं इसको, ये आपका geometrical interpretation और ये पूरा हो गया, आप इसका एक screenshot ले लें। अब मैं एक छोटा सा example लेकर के इसको clarify करूँगा। ये चीज़ मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बस इतना सा मुझे space चाहिए, इसको भी आप रखें भले। मैं एक function लेता हूँ fx equals to suppose x square minus 3x and plus 2, and now I say x belongs to the closed interval 1 to 2. Okay, now let's first of all you find that fa and fb, value function at x equal to 1 and value function at x equal to 2. So okay, let's check f1 will be equal to 1 square minus 3 into 1 plus 2, and this will be equal to 1 plus 2 minus 3, so 3 minus 3 is 0. Again, I'll find the value of function at x equal to 2. At x equal to 2, f2 is also the 2 square minus 3 into 2 plus 2. And this will also be equal to 0. 4 plus 2, 6. And 3 to the 6 means 0. So obviously, you find that f1 is equals to f2.
The value function at both the endpoints 1 and 2 is equal. F1 equals to F2. So I have verified the third condition, FA equals to FB. So always when you are trying to solve the questions about mean value theorem and particularly for Rolle's theorem, always you type the third one, the third step, F equal to FB. If this F1, F equal to FB, then you try for the first and second condition. If F is not equals to FP, then the function is not valid for Rolle's theorem. So to check the validity of the function, you have to check all the three steps. FA should be equal to FB, the function should be continuous, and the function should be differentiable. So first of all, I've checked for F equals to FB, and this is holds. So the function is, function holds the third point, FA equals to FB. Also, now you come to the function FX. FX is x square minus 3x plus 2, which is a polynomial. Ye polynomial hai, bahupad hai. So polynomials are always derivable and continuous in the real number, in the set of real number R. Means R is the domain of this function. For every polynomial function is differentiable as well as continuous in the whole real numbers R. So I am talking about 1 to 2, and this is a polynomial, so it will be differentiable as well as continuous also in the real number R. So I am taking just a small piece of R from 1 to 2. So 1 to 2 is a subset of real number R. So this function will be differentiable and continuous. So we are not going to check whether this is continuous or not. I am telling you that you have to find that whether this function, the given function, what type of the function is given, whether it is a polynomial function, whether it is a trigonometric function, whether it is a logarithmic function, or it is an exponential function. So always these type of functions are always continuous as well as differentiable in their given domain. So okay, now you are not required to write all these things, or you are not required to check whether this is continuous, differentiable or not. You just write down one thing, that fx is a polynomial, so it is continuous in closed interval AB as well as it is differentiable in the open interval 1 to 2. So the third condition, FA equal to FB, I'm telling you that FA equal to FB, F1 equal to FB, F2. So the function fx, this function fx satisfies the third condition, and for first and second condition, you just have to write that you have to check the nature of function. What type of function you are given? This is a polynomial, so obviously it will be differentiable and continuous in the given interval. So we can say that this function is valid for Rolle's theorem. Now we have to check whether this function holds the value of c or not. So what you have to do, you just find out the differentiation of this function. So I'm finding f dash x. So f dash x will be equals to twice of x minus 3, twice of x minus 3, and now I'm putting x equals to c, and this will be equals to, so f dash c, you find out f dash c will be equals to, just put x equal to c, so this will be 2c minus 3, and if this is equals to 0, and if this is equal to 0, so obviously you can check c will be equals to, this means c will be equals to 3 by 2, and what we have to check, whether this 3 by 2 belongs to this given interval 1 to 2. We are given the interval from 1 to 2, and we are getting the value of c, this is 3 by 2, means 1 and half. So obviously, this will belong, c belongs to 1 to 2. And in this way, we can say the Rolle's theorem is verified. Once again, we just checked, we are given a function fx equal to x square minus 3x plus 2, and we are given the interval from 1 to 2. First of all, we found the value
at x equal to 1 and x equal to 2, and at both these end points x equal to 1 and x equal to 2, the value of function is equal, which is equals to 0. So the third condition is verified. Now the function is a polynomial, so it will be differentiable and continuous. So you just write down that function is differentiable and continuous. And now the first condition, this one second condition, and this one is third condition. So all the three conditions are verified. So we can say that this function is valid for the Rolle's theorem. And now we just verified the Rolle's theorem. We found that f dash x equal to 2x minus 3. Put x equals to 3, we get f dash c equals 2c minus 3. And we have to put it equal to 0. When f dash c equals to 0, we are getting c equal to 3 by 2. And we found that 1/1.5, this belongs to this open interval 1 to 2. So in this way, you can say that this function is verified for Rolle's theorem. That's all. Thank you.